हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारा मैम क्लास। आज हम करने वाले हैं 12th फिजिक्स का टॉपिक। टॉपिक का नाम है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद अ कैपेसिटर। यहाँ पे हम एक कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं। कैपेसिटर का काम होता है एनर्जी स्टोर करने का, और इसके साथ हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इनिशियली हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स को ऑन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे चार्ज जो है वो और ज़्यादा डेवलप होगा। और फर्स्ट यूनिट के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी स्टोर करता है, और एनर्जी जो होगी कैपेसिटर की वो क्या होती है, हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। सी कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और वी नॉट जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हमने पढ़ा है इससे पहले वाले टॉपिक्स के अंदर, इन केस ऑफ कैपेसिटेंस करंट जो है वो क्या करता है, लीड करता है 90 के फेज से। तो जो करंट की इक्वेशन होगी उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, क्योंकि यहाँ पे 90 के फेज से ये लीड कर रहा है। अब साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, जब हम एनर्जी ड्रॉ कर रहे हैं सोर्स से, तो यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो चार्ज होगा और वापस से वो डिस्चार्जिंग कंडीशन में आएगा। दोनों ही कंप्लीट साइकिल अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो जो नेट एनर्जी सप्लाई होगा ओवर द कंप्लीट साइकिल वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल, क्योंकि इसके अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों ही कंडीशन फॉर्म हो रही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कंप्लीट साइकिल में ये कितना वर्क डन करेगा। तो वर्क डन कंप्लीट साइकिल में जब हम निकाल रहे हैं तो टाइम हम लेके चलेंगे जीरो से टी, और यहाँ पे इसको हम लिखेंगे ई इंटू आई डी टी की फॉर्म में। अब देखो ये कैसे लिखा है, पावर को हम कैसे लिखते हैं, वी इंटू आई की फॉर्म में। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम इक्वल्स टू वी इंटू आई। तो यहाँ पे टी को इधर लेके आएंगे तो वी आई डी टी। अगर हम यहाँ स्मॉल इंटरवल ले रहे हैं तो वर्क डन जो है वो क्या होगा, स्मॉल होगा, और जब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, W के इक्वल। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट लिखी है, आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3, वी गैट फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू को हम थर्ड के अंदर पुट कर रहे हैं, तो देखो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, W इक्वल्स टू 0 to T ई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट कॉस ओमेगा टी डी टी। ठीक है, ये फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ई नॉट और आई नॉट को बाहर निकाल लेंगे, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे हम, ई नॉट आई नॉट, और अंदर हमारे पास क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, और ये चल रहा है जीरो से टी, किसके इक्वल है, वर्क डन के। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको टू से मल्टीप्लाई करा देंगे और टू से ही डिवाइड। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करा दिया, इसको मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये एक फॉर्मूला बन गया साइन टू थीटा का। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे, यहाँ हमारे पास आ जाएगा ई नोट आई नोट अपॉन टू जीरो से टी साइन टू मेगा टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करोगे और जब इसकी वैल्यू पुट करोगे लिमिट, तो यहाँ पे आपके पास नेट वर्क डन जीरो आएगा। जैसे हमने पिछले स्टेप में किया था सेम वैसे ही होगा, साइन टू ओमेगा टी इसका डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका होगा माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा जीरो से टी। यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो देखो डब्ल्यू इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट अपॉन टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा। माइनस यूज़ करते हैं, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा कॉस जीरो। ठीक है, ओमेगा टी की वैल्यू होती है 2π, और जब हम यहाँ 2π रख रहे हैं, 2 ऑलरेडी है, तो कॉस क्या बन जाएगा, 4π, इसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल। ठीक है, तो देखो आगे, W इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट अपॉन टू, इसकी वैल्यू 1 हो गई माइनस में, प्लस कॉस जीरो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो ये क्या हो गए, जीरो के इक्वल। तो नेट वर्क डन जो है वो किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला, कि अगर हम एवरेज पावर सप्लाई देख रहे हैं आइडल कैपेसिटर के अंदर इन अ कंप्लीट साइकिल, तो वहाँ पे वर्क डन जो है वो क्या होगा, जीरो। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।